हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे सैलरी का। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम आपको दो अलग अलग ऑफर के बारे में बताएंगे। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि एक पर्सन है जो अपने एम्प्लॉई को दो अल्टरनेटिव पैकेजेस देती है और उनसे कहती है कि दोनों में से कोई भी एक अल्टरनेटिव पैकेज वो सेलेक्ट कर ले। वैसे ही इस बार भी हम उसको दो ऑफर देंगे और दोनों में से उसे कहेंगे कि जो भी ऑफर उसके लिए कन्वीनियंट हो, जो भी उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, उस ऑफर को वो सेलेक्ट कर ले। आइए स्टार्ट करते हैं अपने उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मिस्टर गणेश रिसीव्ड ऑफर्स फ्रॉम कंपनी ऑफ जयपुर फॉर सर्विस एज अंडर। जैसे इस क्वेश्चन ने कहा है कि मिस्टर गणेश को अपनी कंपनी जयपुर में जो कंपनी है उसने इस तरीके से अपनी जो रेमुनरेशन है वो ऑफर की है। यहाँ पे आपको दो ऑफर्स दे रखे हैं, ऑफर ए एंड ऑफर बी। इन दोनों ही में से कोई एक ऑफर आपको सेलेक्ट करना होगा। बेसिकली अगर हम इस ऑफर के बारे में बताएं तो जैसा हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसका वीडियो आपको पहले मैंने अपलोड करके दिया था, दोबारा मैं दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आपको 14 लाख रुपीज़ की दो सैलरी अलॉट की जा रही है। ऑफर वन में भी 14 लाख रुपीज़ की सैलरी है, ऑफर टू में भी 14 लाख रुपीज़ की सैलरी है। अब आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है? भाई जब दोनों 14 लाख रुपीज़ की है तो बेनिफिशियल क्या मतलब होता है? यहाँ पे बेनिफिशियल का मतलब ये होता है कि आपको दो तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, एक अलाउंसेस के थ्रू दिए जाते हैं और एक परक्विजिट के थ्रू दिए जाते हैं। कुछ अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होती है। आप उन दोनों को अच्छी तरीके से कंसिडर करने के बाद ये डिसाइड करिए कि अल्टीमेटली टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा। वही चीज़ आज हमें डिस्कस करनी है। शुरुआत में इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सैलरी हम दे रहे हैं ऑफर ए और बी में 6 लाख रुपीज़ और 7,50,000 रुपीज़। डीएनएस अलाउंस के लिए बोला गया है कि हम आपको दे रहे हैं 1,44,000 रुपीज़ और 1,60,000 रुपीज़। थर्ड पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे दो अलग अलग अल्टरनेटिव ऑफर्स हैं। ऑफर ए में कहता है कि हम आपको रेंट फ्री हाउस देंगे, यानी कि हम आपको फ्री में घर रहने के लिए देंगे और आप जो उसमें मेरा खर्चा होगा वो 3 लाख रुपीज़ का होगा। ऑफर टू कहता है कि हम आपको हाउस रेंट अलाउंसेस देंगे, यानी कि हम आपको फ्री में घर रहने के लिए नहीं देंगे, हम आपको हाउस रेंट अलाउंसेस देंगे, उसका भी खर्चा हमारा 3 लाख रुपीज़ का होगा। जो पैसे हम आपको देंगे उस पैसे से आप अपनी पसंद का घर ले लीजिएगा। इत्तेफाक से क्वेश्चन ने कह रखा है कि उसका भी जो रेंट आप पे करोगे वो 3 लाख रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट यहाँ कहा जाता है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा पहले वाले ऑफर में 20,000 रुपीज़ का, और मेडिकल जो अलाउंसेज होगा वो ऑफर नंबर टू में दिया जा रहा है 25,000 रुपीज़ का। मुझे लगता है कि आपने अगर पहला वाला पार्ट देखा होगा तो उसमें ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड था। दूसरा पॉइंट, टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको 4,700 दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको फ्री फूड भी दिया जा रहा है जो 70 रुपीज़ का होगा और ये 250 दिनों तक आपको दिया जा रहा है। इसका खर्चा होगा 17,500। और ऑफ़र बी में आपको दिया जा रहा है 15,000 रुपीज़ का लंच अलाउंसेस। जैसे देखो पहले वाले ऑफ़र में क्या था कि हम आपको चाय पानी के ऊपर भी पैसे दे रहे हैं और रोज़ के खाने के लिए भी हम आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक मुश्त आपको लंच अलाउंसेस दे दिया गया 15,000 रुपीज़। उसी में चाय पानी भी करो, उसी में लंच और डिनर भी करो, जो आपको करना है वो करो जा करके। तो ऑफ़र ए में आपको 4,700 और 17,500 जा रहा है, ऑफर बी में आपको सीधे सीधे 15,000 दिया जा रहा है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि लार्ज कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, दोनों ही कामों के लिए, ऑफिशियल भी आप यूज कर सकते हो, प्राइवेटली भी आप उसको यूज कर सकते हो। आपको जो कार दी जा रही है उसमें कंपनी का खर्चा हो रहा है 1,25,000, क्योंकि जब कार हम आपको दे रहे हैं तो खर्चा कंपनी कर रही है। दूसरे ही केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, अब हम आपको पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं पैसे? फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ वर्क एंड प्राइवेट पर्पस, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए भी आपको दिया जा रहा है। तो इसमें जो हम आपको अलाउंसेस दे रहे हैं वो दे रहे हैं 60,000 रुपीज़ का। जब हम आपको कार दे रहे थे तो कार के ऊपर कंपनी का जो खर्चा आ रहा था वो आ रहा था 1,25,000, लेकिन कंपनी जो आपको अलाउंसेस दे रही है वो दे रही है 60,000 रुपीज़। तो अब दोनों में से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। सेवेंथ पॉइंट कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 12% ऑफ सैलरी। इसमें कहते हैं कि ऑफर वन में हम आपको दे रहे हैं 72,000, ऑफर बी में दे रहे हैं 90,000। हालांकि इसमें देखो तो ब्रैकेट में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी। ये बात आप लोगों को पता है कि जितना कंट्रीब्यूशन हमें एम्प्लॉयर देता है उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारा भी डिडक्ट होता है। बेसिकली हम इसको इस तरीके से कहते हैं
कि जितने पैसे हम जमा करेंगे रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, उतने ही पैसे हमारे एम्प्लॉयर को भी जमा करने पड़ते हैं। तो हम अपनी सैलरी का 12% जमा कर रहे हैं और एम्प्लॉयर भी पैरेलली सेम अमाउंट की कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे बिहाफ पे कर रहा है। इसके बाद हमसे कहा जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू टू अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड, हम 1,00,000 रुपये पे कर रहे हैं, यानी कि कंपनी हमको 1,00,000 रुपये पे कर रही है। एजुकेशन अलाउंसेस कंपनी हमको दे रही है अप टू 2 children, याद रखिएगा 2 बच्चों के लिए दे रही है 2,400। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि हॉस्टल अलाउंसेस फॉर 2 children दिया जा रहा है 7,200, ये भी 2 children के लिए दिया जा रहा है, एजुकेशन और हॉस्टल दोनों। और साथ ही साथ हमको टेलीफोन अलाउंसेस दे रखा है 7,200 रुपीज़ का, तो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का जो खर्चा हो गया उसके लिए भी हमको 7,200 रुपीज़ दे रही है। क्वेश्चन हमसे डिमांड किया जाता है विच ऑफर शुड ही एक्सेप्ट कीपिंग इन व्यू हिज टैक्स लाइबिलिटी। भाई ये बात तो हमको पता है कि हमको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए कौन सा ऑफर ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई सजेस्ट कि अगर आपके पास इसका क्वेश्चन ना हो तो आप इसको पहले तो इसको नोट कर लो, और ज़रूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और इसके बाद सॉल्यूशन को सॉल्व करो, मुझे लगता है वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, समझ में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। जैसे कि आपको पता है कि ऑफर ए में हमको सैलरी जो दी जा रही थी वो 6,00,000 और 7,50,000 दे रखी थी, वैसे ही मैंने मेंशन कर दिया। डीएनएस अलाउंस हमको दे रखा था 1,44,000 और 1,60,000, जो क्वेश्चन में दिया था एज इट इज़ मैंने मेंशन कर दिया। थर्ड पॉइंट था कि एक जगह हमको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा था और एक जगह हमको अलाउंसेस दिए जा रहे थे। तो जब मैं रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करता हूँ तो 2 बातें होती हैं, या तो कंपनी खुद का मकान देगी या तो किसी और से बोरो करके देगी। तो यहाँ पे कंपनी ने खुद का अपना मकान दिया था, तो जब कंपनी अपना मकान देती है तो जिस शहर में देती है उस शहर की पॉपुलेशन के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितना हमारी परक्विजिट चार्ज होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि ये जो पर्सन है ये जयपुर के हैं, तो जयपुर की पॉपुलेशन 25,00,000 से ज़्यादा है, और अगर 25,00,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो 15% ऑफ द सैलरी हमको परक्विजिट चार्ज करना होता है। तो 6,00,000 रुपीज़ की अगर सैलरी है तो उसका 15% हो गया 90,000 एज अ रेंट फ्री हाउस मैंने लिख दिया। दूसरे केस आता है एचआरए। अब एचआरए में क्या होगा इसके बारे में हमको देखना है, तो आइए एचआरए को हम लोग एक बार नोट से समझते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, इसमें कहा जाता है कि जो भी अलाउंसेस आपको दिए जा रहे हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के बेसिस पे एग्जेम्पशन मिलेगा। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या था कि जो भी एक्चुअल अमाउंट हमको मिल रहा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो क्योंकि एक्चुअल अमाउंट 3,00,000 मिल रहा है वो मैंने सबसे पहले लिख दिया। नेक्स्ट रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, क्योंकि जो रेंट हमने पे किया था वो 3,00,000 रुपीज़ था जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और बी वाले केस में सैलरी थी 7,50,000 रुपीज़, तो 7,50,000 का 10% हो गया 75,000, तो अल्टीमेटली नेट अमाउंट हो गई 2,25,000। अगर हम MKDC मुंबई कोलकाता दिल्ली और चेन्नई में हमको घर दिया हम और जॉब कर रहे होते तो 50% ऑफ द सैलरी हम इस यहाँ पे कंसिडर करते, लेकिन बाकी सारी जगहों पे 40% ऑफ द सैलरी कंसिडर करते हैं। तो 7,50,000 का 40% होता है 3,00,000 रुपीज़। इन तीनों में जितना लोअर होगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा, लीस्ट इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि हमको 3,00,000 रुपीज़ दिए गए थे। इन तीनों में जो मेरा सबसे लोएस्ट है वो है 2,25,000 रुपीज़, लेस करने के बाद जो हमारी टैक्सेबिलिटी आएगी वो आएगी 75,000 रुपीज। तो फाइनली हम 75,000 को टैक्सेबल में डाल देंगे। तो जैसा 75,000 हमें आंसर मिला था वैसा ही 75,000 मैंने एचआरए में डाल दिया। नेक्स्ट आता है मेडिकल रिम्बर्समेंट। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मेडिकल रिम्बर्समेंट हो या मेडिकल अलाउंसेज हो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। हालांकि मेडिकल रिम्बर्समेंट पहले एग्जेम्प्ट होता था अप टू 15,000, लेकिन वो 15,000 आपको तभी मिलेगा जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं लोगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मेडिकल अलाउंसेज आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो आप वो ले लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इग्नोर कर दो। अब आपको पता है कि मेडिकल का बेनिफिट आपको मिलेगा 15,000 और स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा 50,000, 50,000 रुपये, तो 50,000 ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो यहाँ पे हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं। टी एंड स्नैक्स, देखो याद रखना कि जब भी हम कहीं काम करते हैं वहाँ पे चाय पानी नाश्ता जो हमको कराया जाता है वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट होता है। हाँ, अगर उन्होंने मुझे लंच के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है, डाइट बेसिस पे पे किया है अमाउंट, तो 50 रुपीज़ पर डाइट का एग्जेम्प्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ही केस में ए और बी 2 पॉइंट होते थे, टी और स्नैक्स हमको दिया गया था वो एग्जेम्प्ट हो गया, और जो फूड के लिए उन्होंने पैसे दिए थे 70 रुपये 70 रुपीज़, उसमें से 50 मैंने माइनस कर दिए तो बचा 20 रुपीज़, और 250 डाइट के लिए दिया गया था तो 5,000 मेरे लिए टैक्सेबल हो गया।
बाकी रहा लंच अलाउंसेस, तो उसमें मुझे कोई मरोवत नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला पॉइंट आता है लार्ज कार का, जो कार की फैसिलिटी हमको दी गई थी। ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी हमको छोटी कार देती है तो 1800 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वो चार्जेबल होता है, और अगर वो हमें बड़ी कार देती है तो 2400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कार थी तो 2400 × 12 28800। दूसरे ऑफर में हमसे कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको दिए जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पूरे के पूरे आपने टैक्सेबल कर दिए। हालांकि अगर आप 50,000 का बेनिफिट ना लेना चाहो तो 800 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अरे भैया, 800 रुपीज़ का बात करोगे तो 9,600 हुआ। अब आप बताओ 9,600 ज़्यादा बेनिफिशियल है या 50,000 ज़्यादा बेनिफिशियल है? मुझे लगता है 50,000 ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो 9,600 को इग्नोर कर दो, तो यहाँ पे पूरा पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ध्यान रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर ने अप टू 12% तक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ऑफ द सैलरी तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 12% तक ही दिया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। देखो, जब भी सुपर एनुएशन फंड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो याद रखिएगा एग्जेम्प्ट रहता है वो अप टू 1,50,000, क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 दिया गया था विच इज़ बिलो 1,50,000 रुपीज़, तो वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एजुकेशन अलाउंसेस हमको दिए गए थे 2,400 और दो बच्चों के लिए दिए गए थे, और एग्जेम्पशन कहता है कि 100 रुपीज़ पर मंथ विल बी अलाउड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, क्योंकि यहाँ पे दो बच्चों के लिए दिए गए थे, तो 100 × 2 × 12 दैट इज़ 200 × 12 दैट इज़ 2,400, तो 2,400 रुपीस एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इसकी भी वैल्यू निल हो जाएगी। इसी तरीके से हॉस्टल अलाउंसेस की बात कर ले हम, तो हॉस्टल अलाउंसेस में हमको 300 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है, तो 7,200 था जो हमें मिला था, 300 × 2 यानी कि हो गया 600 × 12 ये हो गया 7,200, तो 7,200 रुपीज़ का भी एग्जेम्पशन हो गया, यहाँ पे हमारी टैक्सेबिलिटी ज़ीरो हो गई। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, टेलीफोन और कंप्यूटर अगर हमको कंपनी प्रोवाइड कराती है तो ये मान के प्रोवाइड कराती है कि ऑफिशियल यूज़ करेगा, तो इसलिए ये फ्रिंज बेनिफिट होते हैं और ये 100% एग्जेम्प्ट होते हैं, इसमें कुछ भी टैक्स नहीं होता। फाइनली हमने इन सबको जोड़ लिया तो हमें जो सैलरी मिल रही है, ऑफर ए में मिल रही है 8,87,800 और बी में मिल रही है 10,85,000। हमने इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन किया 50,000, हमें सैलरी मिल गई 8,37,800 और ऑफर टू में मिल गया 10,35,000। आपको याद होगा मैंने जब बताया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो उसमें एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया था और एम्प्लॉई ने भी कंट्रीब्यूट किया था। एम्प्लॉयर अगर 12% से एक्सेसिव पेमेंट करता है तो वो एक्सेसिव पोर्शन टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है उसका बेनिफिट हमको सैलरी में तो नहीं बट सेक्शन 80C में उसका बेनिफिट मिलता है। तो सेक्शन 80C ये कहता है कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो एग्जेम्प्ट होगा। तो ऑफर ए में 72,000 और ऑफर बी में 90,000, इन सबको डिडक्ट करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किस में आपकी टैक्स सबसे कम जाएगा भाई। बट ऑब्वियस सी चीज़ है, जिसमें इनकम कम उसमें टैक्स कम, तो ऑफर ए हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आंसर है इन ऑफर ए टोटल इनकम इज लेस, हेंस ही शुड एक्सेप्ट ऑफर ए। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर डाउट हो तो आप आराम से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।